हे गाइस, तो आज हमारे सामने होंडा की एक प्रीमियम बाइक खड़ी है जिसका की नाम है CB300F। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इसमें आपको कुछ हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसका आपको क्या प्राइस है, इसमें आपको क्या माइलेज मिल जाएगा, हर एक कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से देखें जो कि आपको फाइटर लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फुल्ली LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड देखें जो कि इंडिकेटर्स भी आपको फुल्ली LED में ही दिया गया है। ये आपका डिलक्स प्रो मॉडल है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखें तो आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है, इस जगह पे आपको होंडा का स्टिकर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो कि आपको डुअल टोन में दिया गया, इधर आपको थोड़े से रेड कलर और इधर आपको थोड़े से ब्लैक कलर के दिए गए हैं। लाइट आपको फुली LED में ही मिलता है। इधर नीचे की ओर देखें तो आपको लो बीम का ऑप्शन दिया गया है और ऊपर में आपको हाई बीम का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट में आपको गोल्डन कलर के USD फोक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS का आपको स्टिकर मिल जाएगा। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है और इसका मडगार्ड देख पाएंगे जो कि आपको डुअल टोन में इसका मडगार्ड दिया गया है। फ्रंट डिस्क आपको 276 mm का दिया गया है और यहाँ पे आपको ABS का प्लेट मिल जाएगा। निफिन का आपको ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और फ्रंट टायर आपको 110 सेक्शन का दिया गया है और 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ये बाइक आ जाता है। अगर इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो इसका आप साइड प्रोफाइल देख पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर रखा गया है। इसका टैंक काउल की ओर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CB300F का आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स दिया गया है। यहाँ पे आप देखें जो कि आपको होंडा का आपको ब्रांडिंग और स्टिकर मिल जाएगा। ये आपको टोटली फाइबर बॉडी में ही मिलेंगे। बीच में भी देखें तो ये भी आपको फाइबर बॉडी दिया गया है जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर मिल जाएगा। ये आपका पेट्रोल नॉब्स का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको की स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। दो की आपको कंपनी की तरफ से ही मिल जाएगा। सीट की ओर देखें तो आपको स्प्लिट में सीट मिलता है और सीट के ऊपर में यहाँ पर आपको एक तो कवर लगाया गया है जो कि आपको एसेसरीज के रूप में आता है। स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे। इसका आप एग्जॉस्ट देख पाएंगे जो कि आपको छोटा सा एग्जॉस्ट दिया गया है। सिंगल बैरल एग्जॉस्ट ही मिलता है। मैं आपको साउंड भी आगे चल के सुनाने वाला हूँ। और अगर इसके इंजन की ओर देखा जाए तो इस बाइक में आपको इंजन 293.52 cc का इंजन दिया गया है जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI ऑयल कूल्ड के साथ इसका इंजन आ जाता है, जिसका कि आप यहाँ पे रेडिएटर भी देख पाएंगे। 24.4 PS का पावर और 25.6 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इस बाइक के माइलेज की ओर देखा जाए तो माइलेज अप्रॉक्स आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिल जाएगा। रियर में देखें तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैड स्लैब दिया गया है और रियर टायर आपको 150 सेक्शन का दिया गया है जो कि आपको MRF कंपनी की तरफ से आता है और ए भी टायर आपको थोड़े से रेडियल देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं जो कि आपको स्विंग आर्म का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे और रियर में भी आपको यहाँ पे ABS का ऑप्शन दिया गया है और रियर डिस्क आपको 220 mm का दिया गया है। पीछे से देखें तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED में इसका टेल लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको LED बल्ब्स मिलेंगे और इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा पाएंगे। इस साइड से देखें तो यहाँ पे आपको सारी गर पहले से ही मिल जाता है। लेडीज फुटरेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ जाएंगे और ऊपर में यहाँ पे देखें तो आपको फाइबर का आपको एक तो प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसमें आपको टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा और इसमें आपको सिंगल स्टैंड ही दिए गए हैं जहाँ कि आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए जो कि आपको फुली डिजिटल में इसका मीटर कंसोल मिलेगा। यहाँ पे देखें जो कि आपको टैकोमीटर का ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको 9000 RPM पे रेड लाइनिंग कर जाता है। बीच में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है। यहाँ पे देखें तो आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखें जो कि आपको ओडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको टोटल किलोमीटर आप कितना ट्रेवल किए वो आपको यहाँ पे बताने वाला है और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन भी दिखाने वाला है। और इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो अभी आप यहाँ से देख पाएंगे जो कि इसमें आपको क्या माइलेज है वो आपको बताने वाली है। ये आपका Trip 1, ये आपका Trip 2 का ऑप्शन हो गया, ये आपका टोटल में दिखाने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या एवरेज है वो आपको दिखा देगा। इसमें आपको जो बैटरी कितना परसेंट चार्ज है वो आपको दिखाने वाला है 12.6 volt और कितना आपको माइलेज मिल रहा है इस बाइक से वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा और साथ साथ इसमें आपको GPS नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसे एक बार मैं ऑफ करूँ उसके बाद अभी आप यहाँ देख सकेंगे जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिया गया है। कॉल का अलर्ट दिखाने वाला है, मैसेज का अलर्ट दिखाने वाला है और साथ साथ आपको बैटरी कितना परसेंट चार्ज है वो आपको दिखाने वाला है और जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ इंडिकेट करने वाला है। स्विचेस की ओर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लो बीम का स्विच, ये आपका हाई बीम का स्विच और यहीं पर आपको पासिंग का स्विच मिल जाता है। इस वाले स्विच से आप इसके मीटर कंसोल को टॉगल कर पाएंगे, इसे अप डाउन कर पाएंगे, इसे आप इंटर कर पाएंगे और यहाँ से आप इसे बैक कर पाएंगे। ये आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का स्विच दिया गया है
और इस साइड से देखें तो यहाँ से आप इंजन को ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आपको हजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। तो हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसका एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं। तो अभी गाइस जस्ट आपने इस बाइक के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, साउंड आपको अच्छा मिलता है और इंजन में आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेंगे। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की ओर देखा जाए तो इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस 2,66,556 रुपीज रखे गए, बट इसमें आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि लगभग देखा जाए तो 64,000 रुपये का इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि उसके बाद अगर आप माइनस करते हैं उसके बाद आपको ऑन रोड प्राइस मात्र आपको 2,02,000 रुपये पड़ने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तब कोर्स आप ले सकते हैं, मैं आपको शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।